sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Birds chirping and I hear my name, grasping into the life. Life is happy but. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी अमृता शुक्ला पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आप लोग को थंबनेल से ऑलरेडी पता चल ही गया होगा कि हम आज की लुक क्रिएट करने वाले हैं रेड कलर की साड़ी पे, रेड कलर का आई शेडो थोड़ा बहुत लगा के। तो पहले मैं बता दूं ओकेजन क्या है। ओकेजन जो है हमारी रोटरी के एक मेंबर है, उनका 25th मैरिज एनिवर्सरी है, तो उसी का ही पार्टी है। तो मुझे लगता है कम से कम 50 से 100 लोग तो आए ही होंगे और रात के टाइम का पार्टी है, तो उसी हिसाब से हमें थोड़ा रेडी होना है। तो मैंने आज सोचा कि मैं ऐसे ही स्टार्ट करती हूँ ब्लॉग। और ये देखिए, ये जो साड़ी है ये रेड कलर की प्लेन सी साड़ी है, ये मैंने ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। और इसकी जो ब्लाउज था ना, मेरा दिल था कि मैं इतना एंकल तक बनाऊं तो बहुत अच्छा आएगा लुक ऐसे, लेकिन ब्लाउज छोटा हो गया तो वो बोले कपड़ा छोटा है, तो इसी चलते उन्होंने ब्लाउज ऐसे ही सिंपल सा बना लिया और पीछे का डिजाइन एकदम से बस ऐसे ही सिंपल बड़ा सा नेक बना दिया था। ये 2-3 साल पुराना होगा, मैंने 2 बार ही शायद पहना है, तो मेरा दिल किया कि मैं कुछ रेड पहन के जाऊं, तो बस मैं पहन रही हूँ। और फुल जो लुक है वो बाद में दिखाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। वीडियो को पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। फेस को क्लीन कर लिया है मैंने, मॉइस्चराइज कर लिया है और मैंने आज टोनर भी लगाया है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे प्रोडक्ट्स जो हैं बहुत ज्यादा नहीं है, और चलिए फिर सबसे पहले मैंने आंखों के ऊपर नीचे जो है ना, मुझे स्टिक लगा के उसे अच्छी तरीके से कवर करना है। मैं बस जल्दी जल्दी लगा रही हूँ, जो आपके स्किन टोन के हिसाब से, या फिर आंखों में थोड़ा सा और ब्राइट लगा सकते हो ऊपर में, क्योंकि हम इसके ऊपर शेडो देंगे। ठीक है, देख लो अच्छे से, क्योंकि मैंने सिर्फ आंखों के ऊपर नीचे लगाया है और ये साइड में ऐसे ऐसे, और ये बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है क्योंकि मेरा लाइट के पास में हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है, लाइट लाइट लगाया है। और एक चीज हम ऐड करेंगे वो है रेड कलर का जो होता है ना प्लेट, थोड़ा सा दिखाती हूँ। मेरे पास में जो स्टिक का है ना वो थोड़ा रेडिश है, फिर आप लोग फाउंडेशन लगाते हैं थोड़ा सा रेडिश टाइप का जो होगा, बस यहाँ पे ब्लशर लगाते हैं ना उसी जगह पे थोड़ा सा ब्लेंड, मतलब आप इसको ऐसे ऐसे करके करना। ठीक है, चलो। और ये कॉम्पैक्ट पाउडर को क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने आंखों के ऊपर नीचे स्टिक लगाया है ना, तो इसी चलते उसको ना आंखों के ऊपर नीचे जो है ना अच्छी तरीके से उसे टैप करिएगा। और फिर फेस में आपके, जैसे हम नॉर्मल पाउडर लगाते हैं कहीं भी जाते हैं, तो अगर कुछ उसको अच्छी तरीके से करिएगा, ऐसे लगा लीजिएगा। मैंने आज बड़े कैमरे के एंगल्स चेंज कर रही, समझ नहीं आ रहा कहाँ पर रखूँ, क्या कुछ अलग लग रहा है इसलिए। और उसके बाद में हम ये यूज़ करेंगे आज है, मतलब ये ना पहली बार जब मैंने ट्राई किया था ना बहुत ज़्यादा लगा लिया था, इसलिए मैं आप सबको दिखा रही हूँ कि आप बस ये ना ये जो ब्लश जहाँ पर रेडिश का हम लोगों ने लगाया था उसी के ऊपर में, मैं बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं कर रही हूँ बस। आप ना जब अपना ब्लेंडर यूज करेंगे ना, तो उसको थोड़ा सा मतलब गीला करके करिएगा, तो वो आसानी से मिल जाएगा। और ज़रा ध्यान रखिएगा सिर्फ इसी जगह पे, तो ये अच्छा लगेगा। मैं फुल रेडी हो जाऊंगी तो अच्छा लगेगा। ठीक है, मैंने आईब्रो आई शेडो से आईब्रो को फिल कर दिया है, और इसको बस आप थोड़ा सा ऐसे कर दीजिएगा, सेटिंग हो गया। अभी बारी है शेडो की। आई शेडो मेरे पास में प्रॉपरली रेड कलर का कुछ नहीं है, देखिए क्या है, तो ये रहना बस अपने इनर पार्ट और आउटर पार्ट को ज़्यादा कर दिया। ये पास से बोल के बहुत ज़्यादा लग रहा है, और ये थोड़ा सा बेसाइज हो गया, वैसे मैं कर लूँगी और इतना ही रखेंगे। ठीक है, और अंदर में तो इसका जो गोल्डन वाला शेड है मैं उसको अंदर में लगाऊंगी। हाँ, सिर्फ इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं। लगा लेंगे हाईलाइटर। कि
मैंने सिर्फ पतली सी लाइनर ऊपर लगाई है और नीचे जो होगा थोड़ा सा काजल लगा लेंगे। एकदम झटपट झटपट रही आज हाईलाइट। सो फाइनली आई एम रेडी और मैंने थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज किया, वो कुछ ज्यादा ही ऐसा लगा। मेरा दिल था कि मैं ऐसे करके एकदम से पीछे जुड़ा बनाऊं, लेकिन फिर मैंने जुड़ा नहीं बनाया। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे ही करके ओपन कर दूं। और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ, साथ में मैंने क्या क्या पहना है मैं डिटेल में बताती हूँ, देखते ही कैसे लग रहा है। पता है रहता बहुत कुछ है, लेकिन जब आप कहीं जाने को जा रहे होगे ना तो सही टाइम पे मतलब लगता है अरे मेरे पास में ये नहीं है वो नहीं है। तो ओके फाइनली मैं आपको बताती हूँ, मैं हमेशा से मेरे आंखों पे ही थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, जैसे कि शेडो वेडो की वजह से। ये फोटो क्लिक करके मैं आपको दिखाऊंगी, अच्छा लगेगा। और ओके तो ये मैंने सिंगल सिंगल पहना हुआ है, इसे पल्ला कहते हैं। ये मैंने कटक से लिया था, ऐसे गोल्ड भी मिलते हैं, लेकिन ये मैंने मेरा इमिटेशन का है, यानी कि आर्टिफिशियल है, 1 ईयर का गारंटी है। और ऐसा रहता है मेरे पास में, ऐसे पतले पतले छोटे छोटे भी हम लोग पहनते हैं, इसे पल्ला कहते हैं। बंगाली में हम लोग कहीं जरूर पहनते हैं, तो मैंने ये तो मैं रेगुलर पे पहनती हूँ ये दो, तो बस इसको मैंने एक एक डाल दिया है। चाहो तो आप रेड वाला चूड़ी होता है ना वो भी डाल सकते हो। और मैंने ये साड़ी को पहन लिया है, गले में कुछ नहीं किया है क्योंकि मैंने इयर रिंग्स हेवी वाले, ये मुझे गिफ्ट में मिला था। इसके भी बड़े से ये हैं ज्वेलरी है इतनी बड़ी सी, ऐसा लेकिन मेरा दिल नहीं कर रहा इसलिए मैंने नहीं पहना। एंड होप आपको मेरा ये सिंपल सा मेकअप ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। और अगर होप आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं आपको पार्टी में भी लेके जाऊंगी, वहां पे मैं आपको दिखाऊंगी लाइट्स वाइट्स में ऐसे में कैसे लग रही हूँ मैं, प्यारे प्यारे पिक्स भी उठाऊंगी, तो आपको पोज जो होता है कैसे उठाएं क्या करें वो भी समझ में आएगा, वो बहुत हेल्पफुल रहता है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। और मेरे पास बड़ी बिंदी नहीं है, और जो इतनी बड़ी सी है मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बस सिंपल सा यही लगा लिया। ठीक है फिर चलिए चलते हैं, लेट्स गो पार्टी। Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. ये है माँ, माँ ने भी ड्रेस पहना है, मैंने बोला था तो। लेकिन उनके हाथों में ब्रश है, ये किसका है? तुम्हारे पति का। ओके हाय फ्रेंड्स, पीछे कौन आ रहा है? से हाय, से हाय 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 just come we must golden never light. Stop the way yeah birds jumping and I hear my name grasping into a life life is happy but it's so insane we must merely make a start Savannah I'm coming home, Savannah. We'll never be alone, Savannah. The beauty of the world, Savannah. Let's all take a walk, Savannah. Just begun. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young.
करना।